नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवैध हुक्का बार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान। यूपी के 22 जिलों में पुलिस ने चलाया एक साथ चेकिंग अभियान। 342 हुक्का बार पर कार्रवाई और मादक पदार्थ को लेकर 4338 जगहों पर पुलिस ने दी दबिश। 22 जनपद में 705 FIR दर्ज, 785 लोग गिरफ्तार, 5,58,00,000 से अधिक के अवैध हुक्का सहित मादक पदार्थ बरामद। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बरेली, गोरखपुर में कार्रवाई। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, इटावा, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव में कार्रवाई। अयोध्या, बाराबंकी, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ में कार्रवाई। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सराज हजार की रिपोर्ट। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग न केवल समाज को खोखला बनाता है बल्कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस ड्रग तस्करी के संपूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में दिनांक 21/8/2022 को यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के 18 जनपदों एवं 4 कमिश्नरेट में संचालित 342 हुक्का बारों एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करों के 4338 स्थानों पर चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में विभिन्न अवैध मादक पदार्थ व अवांछनीय सामग्री बरामद किए गए, जिसमें 702 अभियुक्त पंजीकृत हुए हैं एवं 785 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी का मूल्य अनुमानित 5,58,49,385 रुपए है, जो अपने आप में एक सराहनीय उपलब्धि है।